दोस्तों जब से शाहरुख खान दीपिका पादुकोण स्टारर पठान का पहला गाना गाया है तब से इस गाने को दीपिका पादुकोण ने गाने जा रहा है। जिस तरीके से डांस करती नजर आ रही हैं उनके डांस का भी लोग काफी मजाक उड़ा रहे हैं। पूरे गाने लोगों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यूजर्स ने पठान के सॉन्ग बेशरम रंग को कॉपी बताया है, वो भी जैन के मकीबा गाने से। यूजर्स को दोनों गानों की बीट से एक जैसी लग रही है। यही वजह है कि पठान के बेशरम गाने को लेकर काफी सारे सवाल किए जा रहे हैं और इस गाने के साथ दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को भी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था वही हुआ। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का पहला गाना बेशरम रंग बुरी तरीके से ट्रोल हो रहा है। इसकी वजह है जैसे दीपिका पादुकोण के सेंसुअस डांस स्टेप्स और इसके साथ ही जैन के मकीबा गाने की धुन चुराना। सोशल मीडिया पर दीपिका के डांस स्टेप्स पर फनी मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सॉन्ग बेशरम रंग इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के फैंस को ये गाना काफी पसंद आ रहा है, लेकिन उससे उलट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दीपिका पादुकोण का इस गाने में डांस करना और सेक्सी मूव्स दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण का बोल्ड और ग्लैमरस अवतार देखने को मिला। दीपिका का पावरफुल डांस फैंस को घायल कर रहा है। बेशरम रंग की कोरियोग्राफी को काफी नोटिस किया जा रहा है। ऐसे में मीम्स मेकर्स भला कहां पीछे रहते हैं, उन्होंने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के हुक स्टेप्स पर मीम्स बना डाले हैं। दीपिका के एक डांस स्टेप है जिसमें बेंड होकर वो डांस कर रही हैं और हुक स्टेप को लोगों ने नोटिस भी किया। अब इस पर मजेदार मीम्स बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कमेंट्स में किस तरीके से दीपिका के डांस को ट्रोल किया जा रहा है। फैंस का मानना है कि दीपिका आखिर इस गाने में इस तरीके से डांस क्यों कर रही है। एक यूजर ने लिखा कि बेड के नीचे अपनी चप्पल ढूंढते हुए, तो दूसरे ने लिखा कि कोरियोग्राफर डायरेक्टर और मेरी फेवरेट दीपिका पादुकोण क्या सोच रही थी, बैकग्राउंड डांसर ज्यादा फनी एक्ट कर रहे हैं जैसे सब में मात आ गई हो। यूजर्स का कहना है कि क्यों मेकर्स अच्छा कोरियोग्राफर नहीं ढूंढ सके, लोग डांसिंग स्टेप्स देखकर काफी कंफ्यूज है। यूजर्स ने पूछा है कि गाने में दीपिका और बैकग्राउंड डांसर्स क्या कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, दीपिका के गाने को रिलीज होने के बाद काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई लोग दीपिका के डांसिंग एक्ट को नहीं बल्कि पूरे गाने पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। यूजर्स ने पठान के सॉन्ग बेशरम रंग को कॉपी बता दिया है, वो भी जैन के मकीबा गाने से। यूजर्स को दोनों गानों की बीट से एक जैसी लग रही है। लोगों ने मेकर्स पर मकीबा गाने को चुराने का आरोप लगाया है। बेशरम रंग और मकीबा दोनों गानों के क्लिप्स को सबूत के तौर पर शेयर किया जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, और इसके साथ ही फिल्म की पूरी स्टार कास्ट को काफी ट्रोल किया जा रहा है। अब जैसे दीपिका पादुकोण के इस गाने को लेकर लोग अपनी अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं, उसके बाद लोग इस गाने पर चोरी के आरोप भी लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस गाने की जो बीट्स हैं वो बिल्कुल मकीबा गाने वाली है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बेशरम गाना ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ ही दीपिका पादुकोण को गंदे तरीके से लोग गरिया रहे हैं, और इसके साथ ही उन पर ये भी सवाल निशान उठा रहे हैं कि दीपिका इतनी बड़ी एक्ट्रेस है तो आखिर इस गाने में जिस तरीके की डांस वो करती नजर आ रही है, जो उनका हुक स्टेप है, आखिर वो उन्होंने चूज कैसे कर लिया। फिलहाल तो आप अभी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको भी लगता है कि बेशरम रंग जो है वो मकीबा का कॉपी है, और इसके साथ ही दीपिका के डांस के बारे में क्या राय है आपकी, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्म।